हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर एक मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा ओलंपिक्स वुमेन लीग का, ब्राज़ील वर्सेस स्पेन के बीच, सवा घंटे बाद। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, अभी इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। एक्चुअली भाई, मैं इस मैच को कवर इसलिए कर रहा था कि एक्चुअली दो मैच थे, एक नाइजीरिया और जापान का जो इनके ग्रुप की टीम है, एक ब्राज़ील एंड स्पेन का एक ही टाइम पे। तो ये मैच फुल्ली एनालाइज था, लेकिन इसकी वीडियो भाई थोड़ी डिले हो गई क्योंकि मैंने अपकमिंग मैच एनालाइज करने शुरू कर दिए थे 10:30-12:30 के, तो मैं भूल ही गया भाई 8:30 की वीडियो बनानी है। सो फटाफट अभी हम बनाएंगे, ज़्यादा ना बात करते हो। तो इस मैच में यू हैव टू फेवर स्पेन। स्पेन के जितने भी मैच है भाई, ब्राज़ील उनसे पीछे रही है। मैंने ब्राज़ील के अभी लास्ट मैच भी देखा, वहाँ पर भी कोई खास प्रदर्शन नहीं। अभी तो मतलब ये टीम वैसे इतने गोल कर रही थी, फ्रेंडली लीग के अंदर ब्राज़ील ने 4-0 से कितनी बार दो चार टीमों को हराया था। लेकिन उसके वहीं बात आ गई ना कि जब बात आ गई ओलंपिक्स वुमेन की, वहाँ पर ये फ्लॉप हो गई। जिस प्लेटफॉर्म पे आपने खेलना है, अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर फ्लॉप होना शुरू हो जाओगे तो भाई बंदा कहाँ से फेवर करेगा। मैं तो नहीं करूँगा। सो मैं तो स्पेन के साथ हूँ भाई, क्योंकि स्पेन में जो प्लेयर्स हैं वो बड़ी बड़ी लीग्स की प्लेयर हैं। मैं ब्राज़ील की तारीफ़ कर रहा हूँ, मेरे को ब्राज़ील सही लगती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कंपेरिजन में स्पेन अच्छी है। तो यहाँ पर डबल साइड टीम भी चलेगी, लेकिन लिटिल बिट स्पेन की तरफ आप जा सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन में एस पैरालुएलो के साथ यहाँ पर मैं जाऊँगा। पैरालुएलो अभी चल नहीं रही, वैसे ना डिसीजन गलत था मेरा इसको कप्तान रखने का। मैं सही बताऊँ तो मतलब मैंने पिछले मैच में तो नहीं रखा, पहले मैच में ज़रूर रखा था। तो पैरालुएलो चल तो रही नहीं, जितनी अच्छी खिलाड़ी रह चुकी है और जिस हिसाब से इसकी करंट फॉर्म मैंने फ्रेंडली लीग में देखी थी और उससे पहले जब देखी थी, तो उन लीग्स में यार इस प्लेयर का जवाब नहीं था। लेकिन यहाँ पर आकर कुछ तो गड़बड़ हुई है प्लेयर के साथ, क्या करें अब। उसके बाद मैं न्यूज़ को लूँगा एंड मैरियानो को यहाँ पर मैं ज़रूर लूँगा। मैरियानो कैलडेंटे इज़ मेन प्लेयर, आपको पता है यही पेनल्टी टेकर है, यही गोल्स वगैरह पे ध्यान दे रही है और अपनी टीम को बहुत हद तक आगे भी लेकर गई है। एंड मिडफील्डिंग की बात करें देन बॉनमती के बाद यहाँ पर प्यूटल्स को लेना है, जिसने लास्ट मैच के अंदर गोल किया था। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि आप जिसको छोड़ोगे उसके गोल चांसेस भाई साहब बढ़ जाते हैं। अब मैं एडल कैस्टिलो को छोड़ रहा हूँ, पता चले मैंने पिछले मैच के अंदर देखा जाए इस लड़की ने असिस्ट किया था सब्स्टिट्यूट पे, और मैंने कहा था ये मेन प्लेयर रहेगी अगर खेलेगी। अगर ये खेलेगी तो हो सकता है मैं प्यूटल्स की जगह पर इसको लूँ, लेकिन मैं तब लूँगा जब आप लोग रिस्क लेना चाहेंगे। मतलब ऐसे नहीं, आपके ऊपर है ये वाला पेंडिंग डिसीजन, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। आपने प्यूटल्स को नहीं छोड़ना, मत छोड़ो, अच्छी प्लेयर है प्यूटल्स, मैं मना नहीं कर रहा, इसमें कोई बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है भाई। हम लोग कई बार गलती हम भी करते हैं, तो वो बात अलग है। अगर आपने प्यूटल्स को लेना ले सकते हो, बट अगर एडल कैस्टिलो का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो अगर आप चेंज भी करोगे ना एक आध बैकअप टीम में तो चल जाएगा कॉम्बिनेशन। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में विटोरिया को प्रीवियस मैच में जगह दी गई, लेकिन उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि ब्राज़ील की मेन कारण जो है ना हार का, वो मेन इनकी मिडफील्डिंग है, जिसे मार्टा बहुत अच्छी है। मैं मार्टा को हर मैच में लेता हूँ। मैं अब बात करूँ उसके साथ जाने की, तो मैं इससे बढ़िया सैम्पियो को प्रेफर करता हूँ। विटोरिया यार चल तो रही नहीं, मतलब कुछ कह ही नहीं सकता मैं विटोरिया के बारे में, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं डोंट नो कि भाई ये चलेगी कि नहीं। मजबूरी वाली बात है अगर तो ले सकते हो, अगर मजबूरी नहीं, इसलिए अगर मजबूरी वाली आपको लग रही है बात तो आप ले भी सकते हो, नहीं भी चलोगे अगर तो सोजा के साथ भी जा सकते हो, बट मैं तो मजबूरी में लूँगा। एंड डिफेंडिंग सेक्शन की बात करें, बैटल, उसके बाद आई पैरट्स, असिस्ट की बादशाह नहीं सही लग रहा, क्वीन बोल सकते हो। उसके बाद ओ कैरमोना, और अगर कैरमोना नहीं लेनी देन अलेक्जेंड्री, क्योंकि फोर्थ डिफेंडिंग पे ज़्यादा भरोसा है मुझे। एंड गोल कीपिंग सेक्शन में लूँगा लोरेना को। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है मेरी बॉनमती, वाइस कैप्टन है मैरियोना कैलडेंटे। देन दिस इज़ माई टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।